सुबह का नज़ारा यहाँ का, 6 बज रहे हैं अभी सुबह के, और ये होटल स्टारलिट, यहीं पे हम रुके थे, और यहाँ तो नहीं लेकिन उस रीजन में अभी देख सकते हैं आप काफ़ी फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, और रात में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, -8 तक गया था टेम्परेचर, और वो पहली सूर्य की किरणें पड़ रही है उस रीजन में जहाँ पे मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, और थोड़ी देर में ही अब धूप निकलेगा तो काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है। ये देखिए बोंग भी रेडी है, चिंकू सनी ये मैं, और हाथ में फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा, इतना ज़्यादा ठंड है इधर, क्या बतलाएं, जम जा रहा है हाथ जैसे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त मौसम है, आई एम लविंग इट, लिटरली बोलना भी मुश्किल हो रहा है। मेरा तो राइडिंग ग्लव्स था तो मैं वही लेकर आ गया था, तो पहन के अच्छा लग रहा है, और ऊपर का नज़ारा देखिए, अभी धूप निकल रही है, सुनहरी धूप, और काफ़ी मस्त व्यू है यहाँ का। तो हमारे चैनल बुलेट राइजर रांची को प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, गैंगटॉक में, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, और यहाँ से कल हमने परमिट के लिए अप्लाई किया था नॉर्थ सिक्किम, दैट इज यमथांग पास के लिए, यमथांग वैली के लिए, तो हमारा परमिट ओके हो गया है, तो अब हम जाने वाले हैं यमथांग वैली 11 बजे यहाँ से, और तैयारियां चल रही है अभी बहुत जोर शोर से, सभी एक्साइटेड है बिल्कुल, और चलते हैं ऊपर, रूम का नजारा भी आपको दिखलाएंगे क्या है। तो ये देखिए ठंड का मौसम गैंगटॉक का, और देखिए हमारी गाड़ी यहाँ पार्क है और हम जा रहे हैं। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं लाचुंग के लिए, और यहाँ से गैंगटॉक से लाचुंग की दूरी लगभग 110 से 120 किलोमीटर है, और हमारा परमिट भी क्लियर हो चुका है, और अभी कंडीशंस कुछ ऐसे थे कि अपनी गाड़ी लेकर आप लाचुंग की ओर या नॉर्थ सिक्किम कहीं भी नहीं जा सकते हैं ड्यू टू स्नोफॉल, तो इसलिए हमने गाड़ी हायर की है और उससे हम जा रहे हैं अब नॉर्थ सिक्किम को, तो आप भी रास्ते का मज़ा उठाएं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल बुलेट राइडर्स रांची। तो अब हम पहुंच चुके हैं मनगन, ये गैंगटॉक और लाचुंग के लगभग बीचों बीच का ये जगह है, और यहाँ के बाद बता दें कि आपको पेट्रोल पंप शायद नहीं मिलती है, तो जब भी आप इस रूट पे जाते हैं तो यहाँ रिफिल ज़रूर करवा लें, और अब हम करने वाले हैं यहाँ पर लंच, तो चलते हैं लंच के लिए। तो निकल चुके थे हम लाचुंग के लिए, लाचुंग के लिए निकलने के बाद लगभग दोपहर में अब हम खाना खाने के लिए रुके हुए हैं, यहाँ सेल्फ सर्विस था, सारा कुछ अपने लेना है खाना वगैरह, क्योंकि जो भी है एक पैकेज सिस्टम है हमारा,
जो भी हमने पे किया उसी में इंक्लूडेड है सारा हमारा आज का लंच, कल का लंच और फिर कल रात, आज रात तक का खाना और होटल वगैरह सारा कुछ, वो सारे आपको डिटेल्स में दूंगा वीडियो में आगे जाकर। तो अभी हम खाना खाने के लिए रुके हुए हैं और ये देखिए ये लोग रुका भी नहीं मेरे लिए और शुरू कर दिया है खाना, देखो इसको कहते हैं। और ये बता रहा है क्या खा रहा है, बोलो अंडा करी। चलो ठीक है, तो अंडा करी और प्याज। थैंक यू। सब चम्मच धो के ले लिया है, चम्मच अब तो चम्मच धो के रखे थे, तुम लोग मना कर दिया इसलिए छोड़ दिया। तो अब शुरू कर रहे हैं खाना स्टार्ट यहाँ पर। ये देखिए एक करी और चावल दाल और हाथ से ही, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, सेफ्टी मेजर्स। खाना ठीक है, खाना ठीक है यार। अचार खाओ, अचार नहीं हो गया, अचार नहीं लिया। अच्छा अच्छा, खट्टा क्या खा लेते बनाया तो रेडी में देना अंडा वगैरह खा के दूध पास अंडा रंगीन पिंक अंडा है, देखा दो पिंक अंडा कैसा था, सूखी अंडा का ये पिंक अंडा। और एक सूप, सूखी है, सूखे है परम, थोड़ा अचार देना ना भाई। जैसा कि बतलाया था सेल्फ सर्विस, तो जो लेने का खुद से है। कम मसाला वाला खाना, बढ़िया खाना। तो मनगन में खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं चुमथांग की ओर। चुमथांग ही वो जगह है जहाँ से एक रास्ता लाचेन जाता है और दूसरा लाचुंग। तो अब हमारा अगला जो स्टॉपेज होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली चुमथांग में होने वाला है। तो चुमथांग तक चलते हैं पहले सफ़र पे और फिर वहाँ से करेंगे बातें दोबारा। और ये है नज़ारा, क्या जबरदस्त देख सकते हैं। वी आर ऑन द वे टू लाचुंग, नॉर्थ सिक्किम का ये लैंडस्केप काफी खूबसूरत। ये देखिए सो लगभग दिन बीतने को है और अभी हम हैं चुमथांग से थोड़ा आगे और लाचुंग से लगभग 30 किलोमीटर पहले। यहाँ से भी अभी लाचुंग की डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर बाकी रह गई है और समय लगभग 5:30 होने को है अब। और यहाँ का नज़ारा बहुत मस्त है, क्या बोले इधर, और ठंड तो एकदम शिवरिंग कोल्ड जिसे बोलते हैं, एकदम कपा देने वाली ठंड, वैसी ठंड है। और देखिए एक काढ़ा पी रहा है ये लोग, दुकान से काढ़ा लिया और पी रहा है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। ऐसा यहाँ पे ठंड है। और इधर जितना भी ये दिख रहा होगा आपको, बर्फों से ढका हुआ है सारा। और ये टी स्टोर, टी स्टॉल, ये है कुछ ऐसा नजारा यहाँ का। पहुंच चुके हैं लाचुंग और देख सकते हैं आप चारों ओर स्नो स्नो रोड के।
रात के लगभग 8:30 बज रहे हैं और जैसा कि पता चला है लास्ट 3 दिनों से लाचुंग में लाइट भी नहीं है स्नोफॉल के वजह से। अबे बर्फ पे पैर तो ये चल रहा है डिनर और कैंडल लाइट डिनर। कैसा लग रहा है वरुण? बॉम सामने 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 जो भी ठीक है। कैसा? अच्छा है वरुण, एक नंबर। सन्नी कैसा? बहुत अच्छा खाना है भाई, पूरा गरम गर्मा गरम पूरा एकदम दिख रहा है गरम कितना है ये, और साथ में मजा पूरे तो एकदम जबरदस्त नहीं है सर। जबरदस्त खाना है पूरा। कल का प्रोग्राम है, कौन सा जगह जाने का भाई? कौन सा जगह वो कल का जो कौन सी जगह है? युमथांग। ना युमथांग के बाद वो जो जाना है लाचुंग। ना लाचुंग में तो है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम हैं लाचुंग में और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, देख सकते हैं स्नोफॉल हर जगह। ये होटल हमारा और यहाँ नीचे स्नो, और ये है होटल स्टारलिट, यहीं पे हम रुके हुए थे और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कटाव, क्योंकि कटाव में ही ज़्यादा स्नोफॉल है। कटाव अभी हम जाने वाले हैं और सारे बूट्स स्नो बूट्स लेके हम रेडी हैं। और ठंड इतना ज़्यादा है कि कहना नहीं है, कुछ ज़्यादा ही ठंड है। और भाई और वरुण बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इतना ज़्यादा है कि मास्क उसका भी से पहन के बैठ गया है। तो वरुण आओ ना नीचे यार। तो यहाँ का नज़ारा देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है इधर का, और लिटरली बोलना भी मुश्किल हो रहा है। मेरा तो राइडिंग ग्लव्स था तो मैं वही लेकर आ गया था, तो पहन के अच्छा लग रहा है। और ऊपर का नज़ारा देखिए, अभी धूप निकल रही है, सुनहरी धूप, और काफ़ी मस्त व्यू है यहाँ का। तो हमारे चैनल बुलेट राइजर्स रांची को प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल आने वाले हैं कटाव। कटाव उस रीजन में कहीं पे ऊपर में है, कटाव उस रीजन में है। तो कटाव यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं, कटाव यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलते हैं, देखेंगे कैसे।